हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर एट। हम लेवल सरफेस के एग्जाम्पल कर रहे थे, जिसमें हमारा आज का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल एट। उसकी स्टेटमेंट देखो क्या है आपके पास। अगर एफ और एफ आपके पास दो फंक्शन हो, शो दैट द कंपोनेंट ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर का क्या मतलब होता है? जो पहले वाला वेक्टर है वो, उसके जो कंपोनेंट हैं टेंजेंशियल और नॉर्मल के अलोंग, किसके लेवल सरफेस के जो टेंजेंशियल और नॉर्मल इसके कंपोनेंट होंगे इस वाले वेक्टर के, वो क्या होंगे आपके पास? ये होंगे, आपको ये शो करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? अच्छा, आपके पास लेवल सरफेस ये दे रखा है, इसके अलोंग हम क्या निकालेंगे? इस लेवल सरफेस का एक तो निकालेंगे टेंजेंशियल वेक्टर, दूसरा क्या निकालेंगे? इसका नॉर्मल वेक्टर। और इस नॉर्मल वेक्टर के अलोंग आपका इस कैपिटल वेक्टर एफ का कौन सा कंपोनेंट आएगा, एक तो वो फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या है, इस लेवल सरफेस के जो ये टेंजेंट वेक्टर है, इस वेक्टर के अलोंग इस वेक्टर एफ का कौन सा कंपोनेंट है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आप, ये आपका लेवल सरफेस। लेवल सरफेस के लिए जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है आपका, नॉर्मल वेक्टर, वो क्या होता है आपका? डेल फाई। ठीक है, अगर फंक्शन एफ दे रखा है तो क्या हो जाएगा आपके पास? डेल एफ। तो जो डेल एफ होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? टेंजेंट वेक्टर, सॉरी, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। तो ये तो आपका आ गया नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन हो जाएगा? इसको इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो ये आपके पास क्या आ गया? यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया। किसके अलोंग? इस नॉर्मल के अलोंग। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि इस नॉर्मल के अलोंग आपका जो कैपिटल एफ वैक्टर है उसका कंपोनेंट क्या होगा। तो एक छोटी सी चीज़ देखो आप, आपके पास क्या होता है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। इसके अलोंग जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो कौन होता है? आई कैप। हर एक बात को ध्यान से सुनना, सेम रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई करना। ये आपका क्या है? यूनिट वेक्टर आई। ये क्या है आपके पास? यूनिट वेक्टर जी। ये क्या है आपके पास? यूनिट वेक्टर के। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास एक एफ वेक्टर है जिसके कंपोनेंट क्या है? एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ये आपके पास वेक्टर एफ है। और आपसे अगर ये पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर आई की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? इस वेक्टर की डॉट ले दोगे आई के साथ, इस वेक्टर की ले दो डॉट आई के साथ, तो क्या आ जाएगा? एक्स। अब देखो, इस डायरेक्शन में जो आपका इस एफ वेक्टर का कंपोनेंट है वो क्या है? एक्स है। और वो कैसे आया? जब इस वेक्टर की डॉट आप किस वेक्टर से ले दोगे? जो जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसके साथ। तो इस वेक्टर की डॉट आई कैप के साथ लेने के बाद आपके पास क्या आ गया? इसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड आ गया, कंपोनेंट आ गया इस वेक्टर एफ का। और किस डायरेक्शन में? आई कैप की डायरेक्शन में। तो सिमिलरली आपका ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करो। एफ आपके पास वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है यहाँ पे आपके पास? यूनिट वेक्टर जो है आपका, यूनिट वेक्टर ये। तो अगर इस वेक्टर एफ की आप डॉट इस यूनिट वेक्टर के साथ ले दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इस फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। किसकी डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन में। ठीक है, और वो आपके पास क्या आएगा? वो इसके नॉर्मल है, तो इस एफ वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। हुआ क्लियर या नहीं हुआ? ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लेना, आ जाएगा समझ में। तो देखो क्या आएगा, तो जो ये वेक्टर एफ है इसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल की डायरेक्शन में कितना आ जाएगा? इस एफ वेक्टर की आप क्या ले दोगे? डॉट ले दोगे। किसके साथ? जो इस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर कौन सा है आपके पास? ये, यानी कि कौन सा है? डेल एफ अपॉन डेल एफ का मैग्नीट्यूड। तो ये तो आया इसका कंपोनेंट यहाँ से। जैसे आई डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपके पास आई था, तो इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो क्या आ गया? एक्स आ गया। ठीक है, तो अब देखो आपके पास क्या आएगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड आया ना, फोर्स का आया मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये टोटल क्या है इसका? कंपोनेंट। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये तो आया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसका मैग्नीट्यूड आया? इस वेक्टर एफ का। किस डायरेक्शन में आया? इस नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो जो कंपोनेंट आएगा वो कैसे आएगा? इस मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखो, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल, नॉर्मल के अलोंग जो आपका कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? इस मैग्नीट्यूड की डॉट ले दो। किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। तो कंपोनेंट क्या है आपके पास? एफ डॉट डेल एफ अपॉन डेल एफ। ये तो आपके पास
ये इस काम करेगा एक्स का, आई का काम कौन करेगा, आई का काम करेगा ये यूनिट वेक्टर, और इसकी क्या आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी, डेल एफ, डेल एफ का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल वेक्टर का कंपोनेंट आ गया। अब अगर टेंजेंशियल का निकालना है तो वो कैसे आएगा, इस एफ में से जो नॉर्मल वाला कंपोनेंट है उसको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा, क्या किया, इस फोर्स एफ में से नॉर्मल कंपोनेंट इसका क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आएगा डेल एफ स्क्वेयर, डेल एफ स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो आप, डेल एफ डॉट डेल एफ, और साथ में क्या है आपका वैक्टर एफ, माइनस एफ डॉट डेल एफ एज इट इज, डेल एफ आपका एज इट इज अपॉन आपका डेल एफ का होल स्क्वायर। ये आपके पास किसका फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, जहाँ पे वेक्टर ए ये है, बी ये है और सी ये है, तो तीनों का क्या ले दो, क्रॉस ले दो, ये आपके पास आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आया समझ में, दोबारा फिर से थोड़ा सा रिकॉल करो। देखो आपको क्या दे रखा था, वेक्टर एफ दे रखा था, एक आपको सरफेस दे रखा था। ठीक है, इस वेक्टर एफ का, इस जो ये सरफेस है उसके जो अलोंग टेंजेंट वेक्टर है और उसके अलोंग जो नॉर्मल वेक्टर है, उनकी डायरेक्शन में इस एफ के कंपोनेंट बताने थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अप्लाई करो ये वाला रिजल्ट, ये आपके पास आई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, आई कैप है यूनिट वेक्टर, इसमें आपके पास जे कैप है, इसमें आपके पास के कैप है। तो अगर इस फोर्स का कंपोनेंट इस वेक्टर के अलोंग देखोगे आप, इस एक्स एक्सिस के अलोंग देखोगे, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स आई आएगा। एक्स आई कैसे आया, इसके मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दी आपने किसके साथ, इसकी डायरेक्शन के साथ। ठीक है, अब एक्स कैसे आएगा, जब वेक्टर एफ की आप डॉट ले दोगे इसके यूनिट वेक्टर के साथ, मींस अगर एफ की डॉट आई के साथ ले दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आएगा जो आपका इस डायरेक्शन में है वो। ठीक है, ये आ गया आपका पास एक्स। और अगर इस फोर्स का कंपोनेंट निकालना है तो इस मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। सेम केस आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, सबसे पहले आपने ये देखा कि इस डायरेक्शन में आपके पास यूनिट वेक्टर क्या है, अब ये डायरेक्शन क्या है आपके पास, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल, और आपको पता है सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है आपका, ग्रेडियंट एफ। आपको तो क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, क्योंकि आई जे के क्या होते हैं आपके पास, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या किया, डेल एफ से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया जो यूनिट वेक्टर है और इस लाइन के अलोंग है आपका। ठीक है, अब इस फोर्स के अगर आपको कंपोनेंट फाइंड आउट करनी है इसके अलोंग, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो क्या निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो इसके अलोंग। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करोगे, इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ इस वेक्टर की क्या ले दो, डॉट ले दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करो, इस मैग्नीट्यूड की डॉट ले दो किसके साथ, इसी यूनिट वेक्टर के साथ, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है,